सो हेलो गाइस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो ऐसा है कुछ मॉर्निंग का नजारा आज यहाँ का, यहाँ पर हमारी रात को पार्टी हो रही थी, वही जगह है। धूप निकल रही है सामने से, पूरे में निकली नहीं है और मौसम अच्छा है, मतलब ठंड है। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7 o'clock, तो अभी जा रहा हूँ मैं रेडी होने। रेडी होके फिर मिलता हूँ आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। अभी हो चुका हूँ रेडी में और अभी होटल से बाहर आ चुका हूँ। लगेज अपना बस में रख दिया है, बाकी ब्रेकफास्ट भी डन हो गया है मेरा। और ऐसे है कुछ अपना होटल आज का, जहाँ पर हम कल रुके थे, क्लार्क्स रेसिडेंसेस। बाकी ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। तो अभी निकलने के लिए रेडी है, कुछ देर में निकलेंगे यहाँ से। आज हमारा जो डेस्टिनेशन होने वाला है, आज बहुत लंबा होने वाला है, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर का, जो कि आज हमारा है मसूरी। एग्जैक्टली, तो आज रात तक मसूरी पहुंच जाएंगे। बाकी बीच में एक हमारा स्टॉप भी है, अभी एक हरिद्वार जाना है और एक कैची धाम जाना है, ये दोनों साइट सीइंग करते हुए जाएंगे अभी। और बीच में लंच रहेगा हमारा हरिद्वार में आज, तो लंच करने के बाद चलेंगे फिर आगे। और तो निकल भाई पहले। तो रात तक अपने होपफुली आज मसूरी पहुंच जाएंगे, तो मसूरी पहुंच के आपको आज माल रोड का शेयर कराएंगे। वहाँ का भी वेदर अच्छा रहेगा, थोड़ा आज ठंडी रहेगी वहाँ पर भी। तो चलिए पहले से ही जैकेट वैकेट पहले कल आज पहन ली है मैंने, कल जैकेट वैकेट सब जैकेट इसमें रह गई थी बस में, तो कल दिक्कत ज़्यादा हुई थी, ठंड बहुत लग रही थी भाई। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर दिखाते हैं आपको आगे का। भाई अभी हम जा रहे थे मसूरी के लिए, तो ये नैनीताल से अराउंड 16-17 किलोमीटर नीचे एक जगह पड़ती है कैची धाम के नाम से। यहाँ पर एक टेम्पल है काफ़ी फेमस, और ये मतलब जगह भी है, वैली टाइप की बनी हुई है कुछ। तो यहाँ पर अभी सारे गेस्ट जो हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं, सभी यहीं पर अभी एक थोड़ा विजिट करने गए। ऐसा है कुछ व्यू यहाँ का अभी फ़िलहाल। तो 15-20 मिनट का ब्रेक लेंगे यहाँ पर, फिर चलेंगे आगे अपना डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइस अभी पहुँच चुका हूँ मैं होटल, अभी होटल में रूम में चेक इन कर रहा हूँ मसूरी में। और टाइम हो रहा है करेक्ट रात के 2। ऐसा है कुछ रूम अपना, होटल का नाम है चांदसीना। और ये है कुछ यहाँ से बालकनी, ये पूरा मसूरी और नीचे देहरादून। भाई थोड़ा फ्रेश होते हैं और करते हैं रेस्ट। तो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे आने वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मसूरी। और ऐसा है गुजरात का नज़ारा, यार धूप निकल गई बहुत तेज रास्ता। इधर देख सकते हो, टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 8:30 और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर रेडी होंगे। तो आज थोड़ा सा मसूरी घूमेंगे, कुछ प्रॉपर्टी विजिट है वो करेंगे, फिर इसके बाद निकलेंगे ऋषिकेश। अभी अब ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुके हैं और रेडी होके बाहर आ चुके हैं, चेकआउट करने का टाइम हो गया अभी होटल से। और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 दोपहर के, धूप निकली हुई है मसूरी में इस टाइम। माल रोड से 3 किलोमीटर एग्जैक्टली नीचे हैं अभी हम। अभी हम जाएंगे कैंपटी फॉल, क्योंकि कुछ लोग हमारे ग्रुप में ऐसे हैं जिन्होंने कैंपटी फॉल आज तक नहीं देखा, जो कि केरला की साइड से और अहमदाबाद की साइड से आए हैं। तो उनको कैंपटी फॉल लेके जाएंगे पहले, थोड़ा सा वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, देन उसके बाद प्लान कर रहे हैं कि धनोल्टी भी जाए। धनोल्टी नहीं जाते हैं तो फिर मॉल रोड जाएंगे, फिर मॉल रोड से डायरेक्ट आज ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। बाकी ये था कुछ अपना बस, और ये था कुछ प्रॉपर्टी अपना जहाँ पर हम कल रात रुके थे। बाकी ये एकदम ऑन रोड पे ही, एकदम जब मसूरी से कैंपटी फॉल के लिए जाते हैं वहीं पर ये ऑन रोड पे पड़ता है होटल। अभी आ चुका हूँ देहरादून में ये पैसिफिक मॉल है, काफ़ी बड़ा मॉल है ये, इकलौता देहरादून का। तो यहाँ पर रुके हैं कुछ थोड़ा सा खाने पीने के लिए, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर चलेंगे आगे। मैं अभी पहुंच चुका हूँ ऋषिकेश और होटल में चेक इन कर लिया है। ऐसा है कुछ अपना रूम आज का,
अरे टीवी तो बिल्कुल फिक्स हो पड़ा है, इसमें पता ही नहीं लग रहा टीवी लगा हुआ भी है। अच्छा बालकनी भी है इधर, देखो तो बालकनी कैसी है भाई। हाँ एक मिनट आया। डिनर करके आ चुका हूँ मैं अपने रूम में, अभी सोने जा रहा हूँ, नींद आ रही है बहुत तेज। अपने एक भाई तो सो चुके हैं, अपने एक भाई सो चुके हैं और खर्राटे ले रहे हैं, आपको आवाज आई नहीं होगी। बाकी करते हैं इस ब्लॉग को ही करें और मिलते हैं आपसे आने वाले ब्लॉग में, तब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। तो ऐसा है कुछ आज का नज़ारा, हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी और टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 7:45। तो आज अभी हम जाने वाले हैं राफ्टिंग के लिए पहले, फिर दिल्ली के लिए आज वापस निकलेंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे आज। तो अभी राफ्टिंग के लिए निकलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। आई थिंक राफ्टिंग में तो शायद मैं कुछ बना नहीं पाऊंगा वीडियो, क्योंकि वहाँ तो मोबाइल भी अलाउड नहीं हो, तो ज़्यादा बेटर है कभी मोबाइल गिर जाए। बाकी देखते हैं, दिखाते हैं आपको, अगर अलाउड होता है तो थोड़ा सा बनाएंगे। भाई साहब मैं आ चुका हूँ राफ्टिंग करने के बाद अपने होटल, होटल में थोड़ा थोड़ा रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी थोड़ा बैठे हुए अंसार भाई के साथ, थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि राफ्टिंग करके आए हैं। भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी मेहनत कर कर आए, और राफ्टिंग का जो एक्सपीरियंस है नेक्स्ट लेवल रहा, नेक्स्ट लेवल अपना। तो एक बार जब अगर कभी भी ऋषिकेश आओ तो एक बार राफ्टिंग ज़रूर करो, राफ्टिंग का एक बार एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और बाकी अभी थोड़ा सा कुछ खा पी रहे हैं और अभी हम रेडी हैं बिल्कुल निकलने के लिए दिल्ली के लिए। होपफुली आज शाम तक 6-7 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएंगे अपन लोग। अभी रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, मेरे पीछे पीछे देख सकते हो हमारी बस है जिसमें हमें अपन को जाना है। बाकी आधे से ज़्यादा लोगों की फ्लाइट देहरादून से है, उनको देहरादून ड्रॉप करेंगे, बाकी सिर्फ 7-8 लोग बचेंगे हम लोग जिनको सिर्फ दिल्ली जाना है। तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट करेक्ट 2:30 बजे हैं दोपहर के, तो अभी निकलते हैं दिल्ली के लिए। 5-6 घंटा ऑलमोस्ट लगेगा, तो कुछ लोगों की दिल्ली से फ्लाइट भी है कोची की और कोलकाता की, तो देख होपफुली टाइम से पहुंच जाएं हम क्योंकि उनकी फ्लाइट ना मिस हो ताकि। तो बाकी निकलते हैं अब, रिटर्न जर्नी कंटिन्यू करते हैं अपनी।